फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर और आज एक बहुत ही प्यारी सी लड़की आई है। मैं पहले उसका नाम पूछूंगा और फिर उससे क्या क्या इंग्लिश में आता है वो मैं पूछने वाला हूँ। आपका नाम क्या डियर? फाल्गुनी सिंह चौहान। टोटल उसे देखते रहिए कैमरे की तरफ, बोलो। माय नेम इज फाल्गुनी सिंह चौहान। इनका नाम फाल्गुनी सिंह चौहान है, ये मुझे आज पता चला। इसके पहले तक मुझे कुछ और ही पता था। क्या नाम था आपका? किप्पू। जोर से बोलो, किप्पू। हाँ, इनका नाम किप्पू भी है, घर में बड़ा ही प्यारा नाम है। और ये आज संडे को बोली कि मुझे रिकॉर्ड करना है वॉइस, मुझे कोचिंग आना है। सर जी, आप कोचिंग खोलोगे कि नहीं, ऐसा ही ना? नो सर। सच सच बताओ, क्या हुआ आज? सर आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आई हूँ। सर आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आई हूँ। जब बुलाया तो आए हो ना? वेरी गुड। तो इनसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। और देखो, ये ना बिल्कुल मेरे बराबर है, छोटी दिखती बने, ऐसा ही गप्पू? नो सर। जोर से बोलो, नो सर। तो इतने बड़े कैसे हो गए हो? सर मैं चेयर पे खड़ी हूँ। आप चेयर पे खड़े हो, चलो तभी तो इतने बड़े लग रहे मेरे को। ठीक है, तो आप मुझे इंग्लिश के बारे में बताओ, बहुत सारा। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, कितने वॉवल होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? रोक दीजिए, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स हम इनसे पूछने वाले हैं, बिल्कुल उधर देखते रहना। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं किप्पू? 26 लेटर्स। ओके, वॉवल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने? वॉवल 5, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट 21। राइट, तो वॉवल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। इन्हीं वॉवल और कॉन्सोनेंट से मिलके क्या बनता है बताओ? लेटर्स। वेरी गुड, लेटर्स से मिलके लेटर्स बनता है ना? यस सर। लेटर से मिलके वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। जोर से बोलो, वर्ड्स। वर्ड्स है ना? तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ मैनेजिंग लेटर इज कॉल्ड वर्ड। जैसे एज पेन, कॉपी, बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। राइट, और फिर इन्हें वर्ड से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन बताएं। अ ग्रुप ऑफ मैनेजिंग वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे ही इज फैट, यू आर प्लेइंग, आई एम गोइंग। राइट, तो ये हो गए। फिर सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? कितने होते हैं? टू काइंड्स। टू काइंड्स होते हैं, मैंने 5 काइंड्स पढ़े। आप कितने काइंड्स पढ़े? मैंने तो टू काइंड्स। टू ही पढ़े हैं, कौन कौन से बताओ तो? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे आई एम गोइंग, इसमें I subject है, am going predicate। You are fat। तो you subject है, are fat predicate। Right, tense पढ़े हो आप? Yes। Tense के formula बताओ, पहले कितने kinds में divide किया गया है और उसके बाद कुछ formula बोलो। इसको ले लो और हंसना मत, ठीक है? चल। Tense को 3 kinds में बांटा गया है, present tense, past tense, future tense। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आई, एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मैं कुछ पूछूं? यस। ओके, टेल मी सब्जेक्ट कितने होते हैं? सब्जेक्ट 8 होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। अच्छा, और वर्ब कितनी होती है पता है? यस। कुछ वर्ब्स बता दो। वर्ब्स 5 होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। और कम, केम, कम, कमिंग, कम्स एक्सेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं टेंस में? टेंस में 13। कौन कौन सी? डू, डस, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, और डिड, हैड,
मॉडल पता है कितनी हेल्पिंग वर्ब होती मॉडल में? मॉडल में 11। जैसे शुड, कैन, मे, मस्ट, माइट, कुड, वुड, नीड टू, डेयर टू, यूज्ड टू, आउट टू। एंड वॉइस पता है कितने काइंड से वॉइस के? टू। टू कौन कौन से? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और भी पता है फॉर्मूले वगैरह? हाँ। पता है? अच्छा हाँ। ठीक है। आर्टिकल? आर्टिकल ए एंड जीरो आर्टिकल। जैसे जीरो आर्टिकल कहाँ यूज होता है? जहाँ पे ए एंड का यूज ना हो। अच्छा, और ए और एन का यूज पता है? चलो कोई बात नहीं। नंबर पता है? हाँ। नंबर कितने पार्ट्स होते हैं नंबर के? टू। कौन कौन से? सिंगुलर, प्लूरल। ओके, देन एग्जांपल कुछ सिंगुलर और प्लूरल के? जैसे बी मधुमक्खी, बीज मधुमक्खियाँ, और जैसे टेबल ऑन है, और टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स। और आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैम पढ़ाती हैं। अच्छा, मैम पढ़ाती हैं। कौन पढ़ाती है? मैम पढ़ाती हैं। कैसा पढ़ाती हैं वो? अच्छा पढ़ाती हैं। पिटाई भी करती हैं बीच बीच में? हाँ। अच्छा, तुमको पढ़ी कभी? पढ़ी है। किस लिए पढ़ी थी? होमवर्क नहीं किया था? नहीं। और फीस कितनी लेती है मैम? मैम फीस लेती 300। 300। अच्छा, अब 400 कर दी है। अच्छा, अब ज़्यादा पढ़ाने लगी हैं। हाँ। अच्छा। कोई मैसेज छोटे छोटे बच्चों के लिए बोलो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारी वीडियो देखें, सुने और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।